क्या कोरोना से बचने के लिए सबको मास्क पहनना जरूरी है? यहाँ इस वीडियो में जानिए ऐसे हर सवाल का जवाब। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 7000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित है। वहीं भारत में भी रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में इससे सबसे ज्यादा पीड़ित लोग महाराष्ट्र के हैं। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार से लेकर स्वास्थ्य एजेंसियां भी लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। भीड़ में रहने से लोगों को मना किया जा रहा है। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की अपील की जा रही है। बस से लेकर मेट्रो तक और घर से लेकर बाजार व कार्यालय तक लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है? इसके लिए लोगों के बीच अफवाहों की स्थिति बनी हुई है। ऐसी तमाम आशंकाओं को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। उसमें यह बताया गया है कि किस स्थिति में किसे और कब मास्क पहनना चाहिए। पहला सवाल यह है कि क्या हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हर किसी को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। मास्क पहनना उनके लिए जरूरी है जिन्हें कोई संक्रमण है, जैसे खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो, तभी आप मास्क पहन सकते हैं। यदि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है या फिर कोरोना के किसी संदिग्ध मरीज की देखभाल कर रहा हो, जैसे डॉक्टर्स, नर्स या फिर पीड़ित के परिवार का सदस्य हो, तो उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार यदि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज रहता हो, तो आपको मास्क पहनना होगा। मास्क पहनने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि मास्क पहनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मास्क को ठीक से खोलें और ध्यान रखें कि उनके दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हों। मास्क को इस तरीके से पहनें कि आपका मुंह, नाक और थोड़ी ढक जाए। अगर आपने मास्क पहन लिया है तो उसे बार बार ना छुएं। अक्सर देखा जाता है कि लोग मास्क पहनने के दौरान कभी कभार नाक मुंह पर से हटाकर गले पर लटका लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से अगर वायरस आपके मास्क की सतह पर आ गया होगा तो यह आपके गले से होकर आपको संक्रमित कर सकता है। यह भी देखा जा रहा है कि लोग एक ही मास्क को हर दिन पहन रहे हैं। ऐसा न करें। अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे 6 घंटे के अंदर बदल लें। इस्तेमाल किए गए डिस्पोजल मास्क को दोबारा प्रयोग में न लाएं और इसे हमेशा बंद कूड़ेदान में ही फेंकें। मास्क को हटाते समय शरीर के किसी भी दूषित हिस्सों को न छुएं। मास्क हटाने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें या फिर सैनिटाइजर से हाथ साफ जरूर कर लें। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर रिसर्च हो रही है। स्वास्थ्य एजेंसियां इसके उपचार ढूंढने में लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर एक नई हेल्पलाइन जारी की है। हेल्पलाइन नंबर 1075 पर आप 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। वहीं इससे पहले मंत्रालय ने 011-239-78046 नंबर भी जारी कर चुकी है। आप चाहें तो जानकारी या सहायता के लिए ncov192019@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किनके किनके लिए मास्क जो है वो जरूरी है।